माचिस कहाँ से मिलती है? बिल्ला की दुकान से। जा मेरा बच्चा, मुझे भाग के माचिस चला दे। मेरा भाई रहेगा। ये भाई मुझे दे दे, शाबाश। ये ले, ये ले, एक रुपया माचिस के लिए और ये एक रुपए की इसके लिए बर्फी लेती है ना। जल्दी आना मेरी बेटी, अच्छा मेरी पीरानी। आपको यकीन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता आपको यकीन? मुझको यकीन आता है, मुझको यकीन है। बात तेरे दिल से है कि ये सारी की सारी वारदात तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया, तो तुम ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो कि सीधा सीधा अपने दुश्मन का नाम, पता और एड्रेस तीनों चीजें लिखवा दो और फिर हमारे काम शुरू। तुमको लग पता जाएगा कि करमदास का शिकंजा क्या चीज है। किसका नाम लिखवाओ? कौन दुश्मन है मेरा? वह बात छोड़ो, ये बच्चे चुकने वाली जितनी भी पार्टियां थी, इनका कला कुम्मा हमने को 5 महीने पहले कर दिया। ये देखो, ये अखबार मैंने अपनी दराज के अंदर रिकॉर्ड के तौर पर रखा हुआ है। ये हमारी बड़ी बड़ी मूर्त छपी थी। ये वड्डे साहब है, ये छोटे साहब है, ये ममूल साहब, ये चौरी जयपुर साहब, और ये जो आंख नजर आ रही है ना, ये मेरी है, मैं पीछे खड़ा था। और दूसरी बात यह है कि बकुआ हुए 2 दिन हो गए हैं, तुम पर्चा कटाने आज आए हो? ये जन्मय, ये कहानी क्या है? माँ बाप को इतना होश का आ रहे तक वो सीधा थाने आए। अच्छा, मैंने खुद तलाश किया। अच्छा, रेडियो पे ऐलान करवाया, इश्तहार दिया अखबार में। वही ये इश्तहार जो आए, ये मेरा पूरा सुख सुख दिया है, या कोई अनाम शनाम भी रखा है? 1000 रुपए इनाम रखा है। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपया इनाम जी? चौधरी साहब, बच्चा भी तो 1 साल का है। वह तुम बीच में मत बोला करो, तुम्हारे तो मुंह बड़ा बड़ा होता जा रहा। खामोशी इश्तहार करो, बैठो बैठे चंदमय, बैठे और भुकुआ बयान करो। खतरा मुझको, एक औरत ने मेरी बच्ची को माचिस खरीदने के लिए भेज दिया। अच्छा, और मेरा बच्चा उससे ले गई। वो वह ये बात तुमको चंदवारी मेरे को पहले बता चुके। बार बार यही बात बताओगे तो तुम्हारे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर थाने के स्टेशनरी दाया होने का तो अंदेशा हो जाएगा ना। फिर वो औरत गायब हो गई। अच्छा, हम कहाँ कहाँ उसको तलाश नहीं किया। अच्छा जी, ज्यादा सुरक सुरक के रो रो के बात करने की जरूरत नहीं है, जी कड़ा करके बात करो। मर्दों की तलाश तसल्ला से, हाँ वो औरत एक न एक दिन जरूर गिरफ्तार हो जाएगी और अदालत के कटहरे में खड़ी होगी। आप क्या कह रहे हैं? एक न एक दिन मेरा बच्चा अगवा हुआ, एक बटुआ गुम नहीं हुआ है। छू वक्त गुजर रहा है, एक वहशत जाग रही है मेरे अंदर, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। एक मिनट सब्र करो, ड्रामा मत करो। देखो, मुझको जरा सोच देने दो, अपने दिमाग पे जोर देने को। जनाबे अली, सलाम अलैकुम। वो चंद भाई, तुम किस मिट्टी के बने हुआ हो? देखने जाकर मैं सोचा कि समुद्र में घर के गोते खा रहा हूँ, तुमने आके सारा ताना बाना ला के रख दिया। जनाबे अली, मैं तो वो देखते नहीं कितना सीरियस केस डील कर रहा हूँ मैं? किस लिए आया तुम? इतने काले क्यों हो? किसी की कोई चीज चुप के भजे हो या घर से लड़ाई करके आए हो? नहीं जी, नहीं लड़के तो नहीं आया, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है जी मेरी। वह छत के जाए तुम्हारी, वह चंद मारी, वो नवे पुराने सवेरे सवेरे काबू बात किया, तुझे ग्राहक आ गया। पर ले भाई, पर ले कर जो परे हटके बैठो, चलो 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 जल्दी जल्दी। वह चंद मारी, तुम्हारे लिए चाय का कोर्स बनाओ, तुम तो भागे हो गए। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊंगा। एक मिनट, ये थाने के स्टेशनरी है, कीमती रपटे हैं, पागल लोग कोई रपट ना खा जाना कीमती। मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसी बात न करो, मैं आप बड़ा दिल का हौला हूँ, रूह का खैरा हूँ। हाँ, ऐसा करो कि 2 दिन देखो, वो पकड़ के हम उसको तुमको इतला कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं आपकी खिदमत में कब हाजिर हूँ? तुम ऐसा करो कि फेरा टोरा रखो, और वैसे शाम के टाइम पर तशरीफ आवरी, तुम्हारी बात बेहतर रह गया। बिस्मिल्लाह, बिना शक यही मलबू साहब पहन कर आ गया, मैं जान लूंगा तुम। वह शहजादे इधर तैयार, सच की जान क्या बन ठहर के मुल्जम आया है ठहरे में हमारे बुकुआ बयान करो। वो जनाब